गुड आफ्टरनून क्लास 7। कल हम लोग 14.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 105 सेंटीमीटर। हाउ ए नंबर हाउ मच डिस्टेंस वुड व्हील कवर इन 16 टर्न। डायमीटर दिया गया है और हम लोग को निकालना है कि 16 टर्न में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए देखते हैं। ए नंबर 105 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है और एक होता है पाई डी, ठीक है। तो हम लोग पाई डी लगाएंगे डायरेक्ट, 22/7 इंटू 105। 7 से 50 टाइम्स कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 330 सेंटीमीटर। ए नंबर का ये आंसर है। अब बी नंबर पूछता है हाउ मेनी टाइम्स। तो अब 16 टर्म में निकालना है ना, 16 टर्म्स डिस्टेंस कवर 330 इंटू 16 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5280 सेंटीमीटर। इतना ये डिस्टेंस कवर, इतना डिस्टेंस वो 16 टर्म्स में कर लेगा। अब बी नंबर बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल रोटेट टू कवर 17 किलोमीटर 820 मीटर। मतलब व्हील कितने बार रोटेट करेगा तो 17 किलोमीटर 820 मीटर कवर कर लेगा। तो लिखेंगे पहले उसको चेंज इन मीटर में चेंज करेंगे 17.820 किलोमीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 17,000 प्लस 820 मीटर आएगा 17,820 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने निकाला था सर्कमफेरेंस 330 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, चेंज इन मीटर 330/100 डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3 मीटर। तो लिखेंगे व्हील रोटेट इज इक्वल टू 17,820/3.3 डिवाइड करेंगे इसको तो आएगा 5400 टाइम्स। इतना टाइम्स वो उसका व्हील रोटेट करेगा तो 17,820 मीटर कवर करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वायर इज शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 24.75 सेंटीमीटर इज बेंड इनटू शेप ऑफ सर्कल, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। बोल रहा है कि एक वायर है वो स्क्वायर के शेप में है और उसका साइड है 24.75 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है उसको सर्कल में बेंड किया जाता है तो उसका सर्कमफेरेंस और उसका डायमीटर क्या होगा। चलिए देखते हैं। लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर 24.75 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 24.75 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99 सेंटीमीटर। अब इसका इसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफेरेंस सेम हो जाएगा, तो लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम लोग को डायमीटर निकालना है तो इसका फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 99 हो जाएगा। 44r/7 इज इक्वल टू 99, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44r इज इक्वल टू 99 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू 99 इंटू 7/44 डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड करेंगे तो आएगा 15.75 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो गया तो हमसे क्या पूछा है डायमीटर, तो लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r 2 × 15.75 करेंगे तो आएगा 31.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका डायमीटर होगा 31.5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 418 मीटर एंड 396 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द विड्थ ऑफ कर्व। बोल रहा है आउटर और इनर सर्कमफेरेंस दिया गया है ग्राउंड का और
आउटर और इनर में उसका विड्थ जो है वो बताना है। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे आउटर सरगम फेरेंस 418 मीटर है, और सरगम फेरेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 418, तो 2 × 22/7 × r मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 418, तो 44r/7 इज इक्वल टू 418, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44r इज इक्वल टू 418 × 7, तो r इज इक्वल टू 418 × 7/44, डिवाइड करेंगे तो ये 44 से 418 9.5 टाइम्स कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका रेडियस। अब एक और है जो इनर है, ठीक है, तो लिखेंगे इनर सर्कमफेरेंस 396 मीटर, ठीक है, 2πr इज इक्वल टू 396, 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 396, 44r/7 इज इक्वल टू 396/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 44r इज इक्वल टू 396 × 7, तो r इज इक्वल टू 396 × 7/44, ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, तो आएगा 63 सेंटीमीटर। ये हो गया इनर। तो अब इन दोनों में जो विड्थ है उनका वो बताना है, इन दोनों में जो विड्थ लगा वो बताना है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड विड्थ इज इक्वल टू 6.5 − 63, 3.5 सेंटीमीटर। इसका जो विड्थ था वो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू।